गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास. नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन द चैप्टर नंबर 1 भाषा इन हिंदी ग्रामर. यस्टरडे वी रेड द चैप्टर नंबर 1 भाषा. आप लोगों को मैंने बताया था भाषा क्या होती है. जब हम अपनी बात किसी से कहते हैं, दूसरों की सुनते हैं और उसकी बात सुनकर समझते हैं और फिर उससे जब बात जो हम करते हैं वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है. और भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित. और हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा कौन सी है, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है. ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट सम क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स डिड स्टार्ट. फर्स्ट प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं. भाषा किसे कहते हैं, आपको पता है, बताया गया है, अपनी बात कहना, दूसरों की सुनना, सुनकर समझना, फिर बात करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है. देखिए फिर से, जब अपनी बात कहना, दूसरों की सुनना, सुनकर समझना, फिर बात करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है. दूसरा प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं. भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित. भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं. थर्ड प्रश्न है, पंजाब और उड़ीसा में कौन सी भाषाएं बोली जाती है. पंजाब और उड़ीसा में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं. देखिए पंजाब में पंजाबी और उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है. पंजाब में कौन सी भाषा, पंजाब में पंजाबी और उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है. लास्ट क्वेश्चन है, व्याकरण किसे कहते हैं. व्याकरण किसे कहते हैं, देखिए इसका उत्तर क्या है. किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का ज्ञान कराने वाले नियमों को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं. क्या कहते हैं, जब आप कोई भाषा लिखते हैं तो उसे शुद्ध रूप में बोलना है, लिखना है, उसके कुछ नियम होते हैं. आप किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने का और लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का ज्ञान कराने वाले नियमों को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं. तो लास्ट प्रश्न, व्याकरण किसे कहते हैं. किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के नियमों का ज्ञान कराने वाले नियमों को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं. तो पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं. अपनी बात कहना, दूसरों की सुनना, सुनकर समझना, फिर बात करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है. दूसरा प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं. भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित. पंजाब और उड़ीसा में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं. पंजाब में पंजाबी और उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है. लास्ट क्वेश्चन है, व्याकरण किसे कहते हैं. किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के नियमों का ज्ञान कराने वाले नियमों को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं. सब बच्चों को समझ में आ गया है. राइट डाउन दिस प्रश्नोत्तर इन योर बुक्स. नेक्स्ट है, चित्रों को पहचान कर इन लोगों की भाषाएं लिखिए. क्या है, ये आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं, तो इसमें हमें क्या लिखनी है, भाषाएं लिखनी है. फर्स्ट है, देखिए ये क्या है, ये कहाँ के लोग हैं, ये हैं पंजाब के. तो इनकी भाषा कौन सी है, पंजाबी. कौन सी भाषा है इनकी, पंजाबी. तो हम इसके नीचे क्या लिखेंगे,
पंजाबी। फिर ये कहाँ के हैं? हिंदी। कहाँ के हैं ये? ये उत्तर प्रदेश के हैं। इनकी भाषा कौन सी है? हिंदी। फिर ये कहाँ के हैं? ये कश्मीरी। कहाँ के हैं ये? कश्मीरी। इनकी भाषा कौन सी है? देखिए, डोगरी। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ रहा है? राइट डाउन दिस एक्सरसाइज इन योर बुक्स। और जो मैंने आपको पहले खाली स्थान, सही गलत जो भी लिखवाए हैं, सब बच्चे उनको क्या करेंगे? उन्हें याद भी करेंगे। ओके, सब बच्चों को समझ आ गया? राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर इन योर बुक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।